नोकिया नोकिया नोकिया। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित आप सबको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ योर टेक एडवाइज़र में। और फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं नोकिया के बारे में। जी हाँ, ये हमारा वो पुराना नोकिया नहीं है, ये जो नया वाला नोकिया है जो कि स्मार्टफोन्स बना रहा है HMD ग्लोबल्स के अंडर में, उसके बारे में यहाँ पे हम कुछ बातें करने वाले हैं। तो यहाँ पे बात सिर्फ यही है कि यहाँ पे आपको कोई भी जो स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है नोकिया का स्मार्टफोन, जी हाँ, बात करना हो नोकिया 6, नोकिया 8, नोकिया 5 और नोकिया 3, और अब आ गया है आपका नोकिया 2 भी, जो कि अभी मिल तो नहीं रहा है लेकिन हाल ही में लॉन्च हो गया है। यहाँ पे आप वीडियोस की देख सकते हैं कार्ड्स में यहाँ पे। तो इनमें से कोई भी स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए या नहीं, वैसे तो मैंने सेपरेटली भी हर वीडियोज़ में आपको बताया है, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा डिस्कस हमें करना चाहिए। नोकिया एक ऐसी कंपनी है, ऐसा एक ब्रांड है जिसका नाम सुनते ही मतलब दिमाग में भरोसा सा बना हुआ है कि नोकिया का प्रोडक्ट है तो अच्छा ही होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है दोस्तों, नोकिया का प्रोडक्ट जो कि अभी हाल ही में नोकिया 2 लॉन्च हुआ है, आप वो वीडियो देखेंगे यहाँ तो डिटेल में आपको पता चल जाएगा, लेकिन मतलब वह कुछ इस तरह से हो गया है कि अब कोई पूछता है कि नोकिया का ये फ़ोन कौन कैसा रहेगा, नोकिया 3 ले लूँ क्या, तो कभी मतलब हाँ कहने में बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट होती है किसी को भी बताने में कि हाँ फिर फ़ोन ले लो, ये वाला सेटअप ले लो। मतलब कोई भी ऐसा फ़ोन नोकिया लॉन्च ही नहीं कर रहा है जिसको हम बता सके कि हाँ ये फ़ोन आप ले लो। तो बस यहाँ पे पता नहीं क्या कर रहा है नोकिया, क्या होगा इसका, और हम लोग पता नहीं कभी एक फिर से कह पाएंगे या नहीं कि नोकिया का फ़ोन ले लीजिए, नोकिया है तो अच्छा ही होगा। तो यहाँ पे मेन पॉइंट यही था कि नोकिया को कुछ अच्छी चीज़ें करनी चाहिए, कुछ सीखना चाहिए। सारे रिव्यूअर्स आप देख लीजिए, किसी की भी वीडियो ऐसी नहीं है जिसमें उन्होंने कहा हो कि बस आप ये बेस्ट इन क्लास है इस प्राइस रेंज में, आप नोकिया का फ़ोन ये वाला ले लो। तो यहाँ पे रिकमेंड तो कोई भी नहीं कर रहा है नोकिया के 2017 के जो भी लॉन्च हुए डिवाइसेज हैं, कोई रिकमेंड तो नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा इच्छा है कि हाँ नोकिया का ही फ़ोन लेना है, तो इसमें आप नोकिया 6 देख सकते हैं, वो भी आप रिव्यूज़ देखिए 2-4 पहले, उसको समझिए प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या है उस डिवाइस के, और उसके बाद से आप सोच सकते हैं नोकिया 6 लेने का। सिर्फ एक डिवाइस यहाँ पे है और बाकी तो मैं कहूँगा कि कोई भी इसमें से फ़ोन मेरे हिसाब से बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी, तो खैर नोकिया 6 भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई भी फ़ोन परफॉर्मेंस, वैल्यू फॉर मनी या फिर कहीं भी किसी भी पॉइंट से आप कंपेयर कर लीजिए, अदर जो कंपटीटर्स हैं मार्केट में कहीं खड़े नहीं होते हैं। तो यहाँ पे यही कुछ बातें हैं। अगर आप बहुत बड़े वाले नोकिया के फ़ैन हैं और नोकिया का ही फ़ोन लेना चाहते हैं स्मार्टफोन, तो ये आप देख सकते हैं नोकिया 6, लेकिन आप बाकी कोई भी स्मार्टफोन मत लीजिएगा किसी के चक्कर में फंस करके। पे देखिए, ये बातें मेरे दिमाग में चल रही थी, मेरे पर्सनल ओपिनियन से, हो सकता है कि आप को ये बातें कुछ इसमें से आपको हो सकता है कि आप इससे सहमत ना हो, आपको कुछ दूसरा राय हो आपका, तो वो भी आप बताइएगा नीचे कमेंट करके। और क्या आपकी राय है नोकिया के बारे में, वो भी आप कमेंट करके नीचे बताइएगा, और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आप बताइएगा हमें कमेंट करके नीचे। तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखते रहने के लिए। बाय बाय गाइस, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और हाँ नोकिया के बारे में अपने थॉट्स ज़रूर बताएं नीचे कमेंट करें।